तो चलिए इसमें कैसेट प्ले करके देखते हैं, थोड़ा सा साउंड देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इसका साउंड, हाय गाइस, ये लास्ट वीडियो है रेस्टोरेशन का। रेस्टोरेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो इस पार्ट में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कनेक्शन समझाने का कोशिश करूँगा और क्या क्या मैंने इसमें फीचर्स ऐड किया है और कैसे ये काम कर रहा है ये मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देख सकते हैं यही वही बोर्ड है जो मैं आप लोगों को दिखाया था पहले। तो इस बोर्ड में बेसिकली ये जो सेक्शन है, ये एक सेक्शन और ये एक सेक्शन, ये दो प्रीएम्प है लेफ्ट चैनल के लिए और राइट चैनल के लिए। यहाँ का जो सेक्शन देख रहे हैं ये पूरा बेस ट्रेबल का पार्ट है, और ये वाला जो सेक्शन है ये वाला है, ये और ये दोनों पावर एम्पलीफायर का सेक्शन है। दो आईसी इसमें लगता है 4445 का, तो यहाँ पे दो आईसी लगता है। तो ये हो गया पावर एम्प का सेक्शन, ये हो गया प्रीएम्प का सेक्शन, और ये हो गया आपका बेस ट्रेबल का सेक्शन। तो ये हो गया मेरा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, और ये जो है ये मैं आपको बातें बताता हूँ ये मैंने क्यों ऐड किया है। और ये हो गया मेरा कैसेट का मैकेनिज्म, ये देख सकते हैं पूरा कैसेट का मैकेनिज्म है जिसमें ये जो बेल्ट है ये मैं बहुत कष्ट से ढूंढा हूँ, मतलब लिटरली कहीं पे नहीं मिल रहा था ये बेल्ट। तो ये बेल्ट मैंने लास्ट में बहुत ढूंढ के एक दुकान, एक शॉप से मिला, बहुत पुराना शॉप है, और मैंने वहाँ से सारा जितना भी बेल्ट था सारा बेल्ट मैंने खरीद लिया। और ये बेल्ट बहुत पुराना हो गया है, तो इसीलिए ये सब बेल्ट ज़्यादा दिन चल नहीं रहा, बेसिकली इसमें क्रैक्स आ जा रहा है। ये जो बेल्ट है ये मैंने हाल फिलहाल में लगाया है, तो यही हाल है, बट ये बेल्ट मिल नहीं रहा कहीं पर। तो ये हो गया मेरा कैसेट का मैकेनिज्म, और ये है मेरा जो क्या है मैं बताता हूँ। तो हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये दो जो वायर आप देख रहे हैं ये मेरा हेड से आ रहा है, टेप का जो हेड है टेप हेड से आ रहा है, एक लेफ्ट चैनल का एक राइट चैनल का। ये स्टीरियो हेड है तो इसमें से दो वायर आ रहा है, और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, ये जो मेरा दो प्रीएम्प है लेफ्ट और राइट चैनल में ये कनेक्ट हो रहा है। तो हेड से जो आएगा वो प्रीएम्प में जाएगा। अब ये जो एक ही बोर्ड है इसमें सारा अंदर ही कनेक्शन किया हुआ है, प्रीएम्प से जाएगा ब्लूटूथ बीटी बोर्ड में, फिर वहाँ पे पावर एम्प होकर स्पीकर कनेक्टर्स पे जाएगा। तो हेड वाला जो कनेक्शन आता है वो प्रीएम्प पे ही जाता है। इसमें ट्रांजिस्टर मॉडल में दिया हुआ है प्रीएम्प, किसी किसी डेक में वो सिंगल आईसी में भी रहता है, और ज़्यादातर सिंगल आईसी में भी रहता है, लेकिन ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिस्टर वाला मॉडल जो है इसमें साउंड ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे प्रीएम्प का आ गया, तो यहाँ से, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये लेफ्ट चैनल का बेस ट्रेबल का जो पोटेंशियोमीटर लगाने का जगह है, तो यहाँ से बेस ट्रेबल का पोटेंशियोमीटर लगा है, और यहाँ से राइट चैनल का पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन गया है, और पोटेंशियोमीटर्स यहाँ पे लगा हुआ है 1 2 3 4। और यहाँ पे वॉल्यूम का जो वायर है वॉल्यूम का यहाँ पे दो पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। तो ये हो गया मेरा डेक वाला कनेक्शन, ये हो गया पूरा कैसेट मैकेनिज्म का। ये हेड से जा रहा है प्रीएम्प्लीफायर में, प्रीएम्प्लीफाई होके बेस ट्रेबल में जाके फिर वहाँ पे पावर एम्प में, पावर एम्पलीफायर आईसी में एम्पलीफाई होके बाहर कनेक्टर में जा रहा है। अब मैंने इसमें दो चीज़ ऐड किया है, दो फंक्शनलिटी, एक हो गया यूएसबी का और एक हो गया ब्लूटूथ का। तो मैंने इसमें ब्लूटूथ का यूएसबी का जो बोर्ड यूज़ किया है ये मैंने, मेरे पास एक पुराना इंटेक्स का होम थिएटर था उसमें से मैंने ये बोर्ड निकाला है, जिसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर बटन्स भी दिया हुआ है। तो ये हो गया मेरा यूएसबी कार्ड, आप बोल सकते हैं यूएसबी कार्ड जो लोग लगाते हैं नॉर्मल वाला, वो भी मेरे पास था अवेलेबल, लेकिन मैंने वो यूज़ नहीं किया क्योंकि उसमें जो साउंड वैसा खास कुछ आता नहीं, लेकिन इसका जो साउंड आता है ये बहुत अच्छा आता है क्योंकि ये एक ब्रांडेड होम थिएटर था इंटेक्स का, उसमें से मैंने निकाला है। इसमें से इसका कनेक्शन मैंने किया है, देख सकते हैं एक यूएसबी कार्ड लेके, यहाँ पे मैंने एक यूएसबी सॉकेट बनाया है खुद से, ये देख सकते हैं ये ओटीजी केबल होता है, ओटीजी केबल का वो वाला पार्ट मैंने कटिंग करके, यहाँ पे पहले एक बटन हुआ करता था लाउडनेस का, मैंने वो रिमूव कर दिया और यहाँ पे ये वाला ओटीजी केबल का पोर्शन काट के यहाँ पे एक यूएसबी सॉकेट जैसा बनाने का कोशिश किया है, जिसका फिनिशिंग देख सकते हैं आप अच्छा ही हुआ है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल से दिखने में अच्छा लग रहा, थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है अच्छा। और इसके नीचे एक बटन देख सकते हैं आप, ये वाला बटन आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ पर मिलता है, ये मैंने कहीं से मतलब निकाला है, मैंने ये खरीदे नहीं है, मेरे एक मैकेनिज्म से मैंने इसको निकाला है। आप लोग बताइए ये मैकेनिज्म, ये वाला स्विच कहाँ पे रहता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये हो गया मेरा यूएसबी सॉकेट, और यही यूएसबी सॉकेट मैंने ये वाला कनेक्शन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो
तो यहाँ पे जब हम लोग पिन ड्राइव लगाते हैं तो मेरा ये वाला इसमें कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये वाला बोर्ड को मैंने पावर देने के लिए यहाँ पे ये जो देख सकते हैं 5 वोल्ट का एक चार्जर का मैंने जो अंदर पावर सप्लाई होता है वो मैंने दिया है। और ये अच्छा वाला, ये सस्ता वाला पावर सप्लाई नहीं है, ये आसूस का एक चार्जर से मैंने निकाल के इसमें दिया है। और मैंने इसमें सेपरेट पावर सप्लाई इसीलिए यूज़ किया है, सबको यूज़ करता है 7805 का जो आईसी होता है वो, बट मैंने वो यूज़ क्यों इसीलिए नहीं किया है क्योंकि वो बहुत जल्दी, पहले तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत हीट होता है उसमें, पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, और वो मैक्स टू मैक्स 500 mA तक वो करंट सप्लाई कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन इस बोर्ड का मैक्सिमम पावर करंट सप्लाई कर सकता है 2 एम्पियर, तो मैंने इसीलिए इसको यूज़ किया है। मैंने इसका ये वाला बोर्ड यूज़ करने का मेरे पास और एक रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो यहाँ से ये वाला तार से मैंने इस बोर्ड को पावर किया है मैंने यहाँ पे, और इस बोर्ड में ब्लूटूथ इनबिल्ट नहीं है, जैसे आप लोग नॉर्मल बीटी कार्ड देखते हैं उसमें ब्लूटूथ इनबिल्ट रहता है, यूएसबी भी रहता है, एफएम भी रहता है और ब्लूटूथ भी रहता है, लेकिन इसमें यूएसबी और पेन ड्राइव और ब्लूटूथ ये दोनों तो चल रहे हैं, सॉरी पेन ड्राइव और एफएम रेडियो तो चलेगा, लेकिन इसमें ब्लूटूथ इनबिल्ट नहीं है। तो ब्लूटूथ के लिए मैंने एक दूसरा कार्ड यहाँ पर यूज़ किया है, ये वाला, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला कार्ड मैंने यहाँ पे एक दूसरा ब्लूटूथ अडेप्टर का बोर्ड यूज़ किया है। मैंने ये यूज़ किया क्योंकि नॉर्मल जो बीटी कार्ड होता है, नॉर्मल बीटी कार्ड अगर मैंने यूज़ मैंने देखा था टेस्ट करके, उसमें एक नॉइस आता ही है, मतलब मेन जो नॉइस वाला प्रॉब्लम होता है बेसिकली ग्राउंड लूपिंग के कारण होता है, बट उसका भी सॉल्यूशन है, आप ग्राउंड लूपिंग को बंद कर सकते हैं, लेकिन वो करने के बाद भी उसमें कहीं ना कहीं नॉइस रह जाता है, तो मैंने इसीलिए एक दूसरा ये वाला अडेप्टर यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने ये वाला जो ब्लूटूथ का अडेप्टर का बोर्ड है तो मैंने यही पावर सप्लाई से मैंने इसको पावर दिया है, और आप देख सकते हैं कि इसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड मैंने सेम रखा है, सेम पावर सप्लाई से गया है, तो मतलब इसका ग्राउंड सेम रहेगा, सेम था, सेम है, इसीलिए इसमें कोई नॉइस का प्रॉब्लम नहीं होगा। और फ्रंट में आप देख सकते हैं, फ्रंट पैनल में यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच दिया है मैंने, जो कि ये वाला सिलेक्टर स्विच कैसेट और मेरा जो बोर्ड है, बोर्ड और ब्लूटूथ दोनों को रेगुलेट करेगा, मतलब इस बटन को ऐसे अगर प्रेस करते हैं तो कैसेट चलेगा, और इसको अगर बाहर रखते हैं तो मेरा वो ब्लूटूथ और यूएसबी बोर्ड का साउंड आएगा। और ये हो गया पावर स्विच, और यहाँ पे पेन ड्राइव लगेगा, और ये हो गया कैसेट का मैकेनिज्म। और मैंने पीछे यहाँ पे देखिए एक चीज़ लगाया मैंने, ये मैंने एक सॉकेट लगाया है, मैंने यहाँ पे पावर लीड यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे ये वाला सॉकेट लगाया ताकि मैं ये इस टाइप का जो कॉर्ड रहता है पावर कॉर्ड ये मैं यूज़ कर पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पावर सॉकेट लगाया है। और यहाँ पे हो गया आपका ऑक्स का मैंने लगाया है, अगर ऑक्स से कोई चलाना चाहता है तो मैं इसीलिए यहाँ पे, और इधर मैंने ऑक्स का ऑप्शन दिया है, ऑक्स का जो कनेक्टर्स रहता है ऑक्स कनेक्टर्स लगाया है, और ये हो गया मेरा पावर का कनेक्टर। तो जैसे मैंने इस बोर्ड का आपको बता दिया है थोड़ा बहुत ओवरव्यू, आप लोगों के पास भी अगर ये सेम बोर्ड है तो आप लोग ये बोर्ड है, ये सेम बोर्ड है या कोई दूसरा बोर्ड है, किसी भी एम्पलीफायर का हो, किसी का भी हो, और अगर आप लोगों को कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दे दूंगा, उस मेल आईडी पे आप लोग पहले कमेंट कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिए, कमेंट करने के बाद उस मेल आईडी पे आप अपना बोर्ड का फोटो हमको भेज दीजिए, मैं आप लोगों को फर्दर गाइड कर दूंगा वहाँ से कि कैसे क्या करना है, क्योंकि एक ये वाला बोर्ड का कनेक्शन मैंने आपको अगर पूरा समझा दिया फिर भी आपके पास अगर थोड़ा बहुत दूसरा बोर्ड होगा तो आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आप लोगों को सारा कनेक्शंस ए टू जेड समझा दूंगा। तो चलिए इसको पावर ऑन करते हैं और इसको एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं इसका टेस्टिंग कि सारा फंक्शंस काम कर रहा है कि नहीं। फिलहाल इसमें जितना भी फंक्शंस मैंने ऐड किया है वो सारा फंक्शंस सही से काम कर रहा है, पेन ड्राइव, एफएम रेडियो, ब्लूटूथ, ऑक्स और कैसेट सारा कुछ इसमें काम कर रहा है। तो चलिए इसको पावर ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पे प्यारा सा एक व्यू मीटर दिया हुआ है ओल्ड स्कूल, ये हो गया आपका वॉल्यूम का जो नॉब्स रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें कैसेट को चेक कर लेते हैं कि कैसेट कैसे काम कर रहा है। तो पिछले पार्ट में एक जन कमेंट किया था, एक भाई ने कमेंट किया था कि जो साउंड मैंने इसका दिखाया है कैसेट का तो वो फेक है। तो दिक्कत क्या हुआ था, पिछले बार मैंने जो गाना बजाया था तो उसमें कॉपीराइट आ गया था, तो मुझे उस पार्ट का जो म्यूज़िक था उसको हटा के यूट्यूब वाला म्यूज़िक ऐड करना पड़ा था, तो उसके लिए बहुत सॉरी। तो इस बार मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप बजाऊंगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट बजाऊंगा ये कैसेट का, तो आप लोग देख लीजिए। पहले देख लीजिए ये वाला मैकेनिज्म काम कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये घूम रहा है, और इसका जो पिंच रोलर है ये भी घूम रहा है,
तो चलिए पहले इस कैसेट को देखते हैं क्या कैसा बज रहा है। थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेते हैं और ये जो दो व्यू मीटर है ये भी फुल वर्किंग है, मैंने इसको भी रिपेयर कर दिया है। मैं इसका ज़्यादा देर तक बजा नहीं सकता हूँ क्योंकि इसमें फिर कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसका साउंड। तो इसको देखो आप लोग फॉरवर्ड भी कर सकते हो, फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है और प्ले भी हो रहा है। हेड वन है, ये साइड बी है। तो मैंने ये जो डेक है ये मैंने स्पेशली रिस्टोर इसीलिए किया है क्योंकि मुझे ये कैसेट्स में गाना सुनने का मुझे पहले बचपन में बहुत आदत था और इसीलिए मैंने ये वाला इसको रिस्टोर किया है। तो चलिए इसको पहले थोड़ा सा वो कर ले, स्टार्टिंग से लगा देते हैं कैसेट, बैकवर्ड कर लेते हैं। तो जैसे इसके इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके फिर प्ले करते हैं, थोड़ा सा साउंड देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इसका साउंड बहुत ही अच्छा आ रहा है, बट इसका मैंने ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर तक मैं इसका क्लिप प्ले नहीं कर सकता क्योंकि फिर इसका साउंड पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसेट वाला मैकेनिज़्म काम कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से कर रहा है। साउंड भी आप लोग बेस भी ट्रेवल भी सारा कुछ काम कर रहा है। अब मैं आप लोगों को पेन ड्राइव चला के दिखाता हूँ। ये हो गया पेन ड्राइव, अभी तो ये काम कर रहा है और इसको अगर दबा दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। ये काम कर रहा है, ये चल रहा है लेकिन इसका साउंड नहीं जाएगा तो ये बंद है, और इसको फिर दबाऊंगा फिर आएगा। फिलहाल इसको बंद रहने देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं कि पेन ड्राइव इसमें अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये पेन ड्राइव मैं यहाँ पर कहाँ गया ऐसे लगा दिया, सर इसको अच्छे से लगाना पड़ेगा। ये लग गया पेन ड्राइव, तो अभी देख सकते हैं आप लोग पेन ड्राइव लगा हुआ है और ये सिलेक्टर स्विच बाहर है, मतलब ये अभी मेरा जो पेन ड्राइव है उसमें से साउंड बजेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम साउंड दे रहे हैं इसमें कर रहा है। तो अभी इसमें ब्लूटूथ इसका चेक कर लेते हैं। देखिए इसका ब्लूटूथ जो कार्ड है इसमें पावर है, ये चल रहा है, इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें BT163 ये कनेक्टेड है, देख सकते हैं इस फ़ोन के साथ ये कनेक्टेड है। तो इसमें कुछ प्ले करते हैं, चलिए तो इसमें ये वाला गाना प्ले करते हैं। ये हो गया प्ले, इसका साउंड फुल कर देते हैं। तो अब साउंड देते हैं, देखिए बिल्कुल कोई भी नॉइस नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम अच्छे से बज रहा है। ये होता है जब आप अच्छे से सारा कनेक्शन समझ के कनेक्शंस करते हैं। साउंड बहुत अच्छा है, ये जो 4445 का जो आईसी है ये बहुत अच्छा आईसी है, इसके इसका जो साउंड आता है बहुत अच्छा आता है, लाउड भी है और क्लियर भी है, इसका बेस भी अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सारा कुछ काम कर रहा है। अब आप लोगों को एक बार ऑक्स का भी चेक करके मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया मेरा ऑक्स केबल, इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। ये मेरे मुझे एक हाथ से कनेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, फिर भी रुकिए हम करते हैं।
ये हो गया मेरा ऑक्स का केबल। मैं अब इसको इसी फ़ोन में आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा कनेक्ट हो गया ऑक्स। अब मैं इसका ब्लूटूथ बंद कर देता हूँ। अब एक चीज़ चेक कीजिए, इसका जो ब्लूटूथ बंद करूँगा तो इसमें डिसकनेक्ट हो गया। अब मेरा ऑक्स कनेक्ट हो गया इसमें से। ऑक्स को अच्छे से लगा देते हैं। अब ब्लूटूथ बंद है। अब मैंने इस पर एक गाना चला रहा हूँ, वही वाला गाना। सॉरी एक मिनट रुक जाइए। तो देखिए इसमें मैंने ब्लूटूथ बंद कर दिया हूँ, अभी ये ऑक्स पे चल रहा है। तो इसमें मैं ये वाला गाना बजा रहा हूँ, तो साउंड फुल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से साउंड देते हैं। देखिए ऑक्स भी अच्छे से काम कर रहा है, और अच्छे से मतलब इसका साउंड बहुत ही अच्छा है। इसका जो साउंड क्वालिटी आ रहा है ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को बताना भूल गया था, यहाँ पे मैंने एक 12 वोल्ट का फ़ैन भी मैंने ऐड किया है इसको ठंडा करने के लिए, आईसीज को। ये जो सबसे ज़्यादा हीट होता है यही सब, ये जो दो आईसी है यही सबसे ज़्यादा हीट होता है, तो इसमें मैंने एक 12 वोल्ट का फ़ैन लगाया हूँ, तो ये अच्छे से काम कर रहा है। तो देख लीजिए एक बार लास्ट, ये सामने से है इसका लुक। देखिए तो व्यू मीटर भी काम कर रहा है, वॉल्यूम भी काम कर रहा है। एक बार फिर से कैसेट चला के देख लेते हैं। ये रहा कैसेट, इसको प्ले करते हैं। ये इसको मुझे देखिए, अभी वो ऑक्स बज रहा है, इसको दबाएंगे तो कैसेट बजने लगेगा। इसका पूरा फुल, ये अभी फुल वर्किंग है। इसके ऊपर का जो कैप है मैं वो लगा के इसको मैं अभी पैक कर दूंगा। मैं ये इसका जो वायर्स है इसको मैंने अच्छे से अभी तक अरेंज नहीं किया है, क्योंकि मैं इसको अरेंज कर दूंगा तो ये और क्लीन लगेगा अंदर से देखने में। बाकी ये फिलहाल इसका हर एक फंक्शंस एकदम अच्छे से काम कर रहा है, आप लोगों को दिखा भी दिए हैं। और लास्ट एक बात बोल देता हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है किसी भी बोर्ड का कनेक्शंस, एम्पलीफायर स्पेसिफिकली, जैसे ये मेरा डेक का वीडियो है, तो डेक का भी कोई भी बोर्ड का अगर आप लोग को कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक मेल आईडी दूंगा, उस मेल आईडी पे आप लोग अपना बोर्ड का फोटो भेज दीजिए और बता दीजिए कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है। और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट करके फिर मुझे मेल कर दीजिए, उसका फ़ोटो खींच के मैं आप लोगों को अच्छे से उसका समझा दूंगा उसके बाद। चलिए थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर ऐसा रिस्टोरेशन का वीडियो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो आप लोग फर्दर देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके आगे और भी अच्छा अच्छा रिस्टोरेशन का वीडियो आने वाला है। We'll be right back.